देखिए अचानक वर्षदी को क्या हो गया है, अभी मास्क लगा के बैठ गए वर्षदी। वर्षदी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ और एकदम मस्त हैं। आज देखिए सुबह सुबह हम लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह सुबह मम्मी लोग सब आ गई है घर। जैसे कल वाला ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि कल मम्मी रुकी थी वर्षा ही लोग के घर में, और जी हाँ आज मम्मी सुबह सुबह आ गई है रिटर्न हम लोग के घर में, और हम लोग अभी घर में ही है। मम्मी वर्षा जी दोनों आई है, जिया जी छोड़ के गए हैं, जिया जी फिर आएंगे स्तुति कृति सबको लेके दोपहर को। उन लोगों का स्कूल है, स्कूल का छुट्टी होने के बाद तो वही 2:30 बजे तक जिया जी लोग सब आ जाएंगे बच्चा लोग के साथ। जिया जी लोग मतलब जिया जी और बच्चा लोग। तो अभी वर्षा जी आ चुकी है, आप लोगों को दिख गई होगी अभी तक व्लॉग में, और अभी मम्मी को भी दिखाता हूँ। मम्मी बात करिए फोन में पूजा दी से। देखिए यहाँ है मम्मी, मम्मी आके फोन में बात करना चालू कर दिया। और अभी देखिए टाइम ऑलमोस्ट 12 बजने जा रहा है, और हीरा भी आ चुका है। तो सबको आज हम लोग घर में है, मतलब घर बदल गया, आदमी सब वही है, और पार्टी तो होना है ही है। फैमिली गेट टुगेदर डेली करते हैं हम लोग, एक दिन नहीं डेली फैमिली गेट टुगेदर होता है। तो आज भी करेंगे फैमिली गेट टुगेदर, एक साथ खाना पीना मस्ती सब करेंगे। आज हम लोग के घर में करेंगे, कल वर्षा जी लोग के घर में किए थे, आप लोग देख ही लिए है। तो एंजॉय कीजिए और एक फैमिली वाला धमाकेदार व्लॉग। और ऐसे ही फैमिली में प्यार होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और गेट टुगेदर करते रहना चाहिए। और दीदी भी आ चुकी है, देखिए दीदी अपना काम चालू कर ली है अभी, और बस इसके बाद खाना पीना बनेगा, लंच बनेगा, क्या बनेगा क्या होगा सब कुछ दिखाएंगे ब्लॉग में, बने रहिएगा। और यहाँ देखिए वर्षा जी आने के बाद से लग गई आरवी के साथ। आप लोग का हिम्मत कैसे हुआ मेरा बच्चा को ले आना? बच्चा तुम ही बताओ। अब आरवी खेलेगी नानी के साथ। लीजिए वर्षा दी, पकड़े वर्षा दी, शुरू कीजिए काम। इतनी सुनमटर ये लोग नहीं छिल पाए खाने के लिए। अरे तो सब आप ही के लिए है, बहुत काम है अभी, चलिए जल्दी जल्दी खाने के लिए ना। हाँ किचन हो जाएगा उसके बाद वो बना देंगे। वर्षा दी खाना बना रही ना आज, दिमाग खराब। अरे नहीं नहीं जाना तो। अरे आलू गोभी का सब्जी आप ही को बनाना है। हाँ हम बोले हैं तो जल्दी मटर छिलिए, चलिए किचन में, मटर खाना नहीं है दिख जा रहा है व्लॉग में। हाँ तो आज आप ही को बनाना है तो देखिए, लाख भी नहीं देते है लोग, बनाते हैं और खा जाते हैं, हम लोग रोटी में बोलते हैं कि रोटी खा ले। अच्छा मम्मी, अरे मम्मी छोड़िए ना पास्ता को हटाइए, आलू गोभी का सब्जी आपको किसके हाथ का खाना है? बस हो गया, आप तो मानना ही पड़ेगा, आपको मम्मी का बात नहीं छोड़ सकते आप। हाँ देखिए अरे ठीक लगेगा, हम लोग है ना आपको इनकरेज करेंगे पीछे से, हम लोग पीछे से इनकरेज करेंगे। देखिए अभी चाय पार्टी से शुरू हुआ आज का दिन, चाय और आलू का पकोड़ा, आलू टिक्की। चाय उधिया गया, आप बर्रा वाला बोलने लगे ना तो पूरा उधर हम आए फ्रिज में निकालने। तो अभी होगा चाय पार्टी, चाय पे चर्चा, उसके बाद वर्षा दी अभी बनाएगा आलू गोभी का सब्जी। देखिए यहाँ पे मम्मी काम में लग गई है आके ही,
बेचारी मम्मी बर्रा बनाने जा रही है। वो भी एक झारखंड का स्पेशलिटी है। हाँ। वो दिखाएंगे आप लोगों को जब बनेगा। दुस्का तो देख लिया, दुस्का बर्रा बनेगा आज। गाना क्या है? दुस्का बर्रा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे। तो अभी बर्रा बनेगा। और यहाँ पे आलू गोभी का सब्जी बनाने जा रही है आर्मी की मम्मा भी यहाँ पे। और क्या बनेगा? धनिया पत्ते का पकौड़ा ना, या धनिया पत्ते का बर्रा, बर्रा नहीं से बड़ा बर्रा। और मम्मी वहाँ चल गई, मम्मी का टीवी देखने चल गई। अच्छा यहाँ, अच्छा देखिए ये खाना बनाना किसको था और क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे मम्मी बनाने बैठ गई और वर्षा दी देखिए, इसीलिए परछाई से दूर रहने के लिए टीवी का परछाई में आ गई है टीवी देखने बैठ गई वर्षा दी अभी खाना बनाने के नाम से। कितना बचिएगा और कितना बचिएगा? खाना बनाइए, चलिए जल्दी, कितना देर बचिएगा? मम्मी को काम करा रहे आप लोग, देखिए मम्मी बैठ गई है भाग क्या के टीवी देखने बैठ गई है ड्राइंग रूम में लोग अच्छा आलू चढ़ा के बैठ गई है। आलू कौन चढ़ा है? वर्षा दी चढ़ा के गई है। कुकर में हम डाले थे, देख लीजिए कुकर में हम डाले थे आलू धो के। टमाटर को गैस पे चढ़ाया कौन? पलट दी तो हो गया। तो चलिए ये कुकर के सीटी जैसा घर पे हम लोग का सीटी बजता जाएगा आज और हम बजाते जाएंगे सबका। सबसे ज्यादा तो आप ही एंजॉय करते हैं ये, और मेरे फ्रेंड्स भी एंजॉय करते हैं जो लोग व्लॉग देखते हैं। ऐसा होना चाहिए फैमिली में, तभी ना मजा आएगा। चलो बनाओ, तुम ही बनाएगी आज, वर्षा जी नहीं बनाएगी ना फाइनली। गोभी का सब्जी ना किसी के हाथ का गोभी का सब्जी नहीं खाती है, देखिएगा वर्षा। हम गोभी काट के बना दे रहे हैं, बैंगन में भी थोड़ा गोभी डाल दे रहे, बैंगन में गोभी मिला दे रहे। देख लीजिए वर्षा दी को, टीवी देखेगी लेकिन किचन से भाग गई। लेकिन वर्षा जी से आज गोभी बनाएंगे हम लोग, आज वर्षा दी ही बनाएगी, बस बहुत हो गया आज तो। वर्षा दी वो बनाने भी नहीं देगी क्योंकि वो गोभी किसी के हाथ का नहीं खाती, वो खुद से देखेगी, खुद से बनाएगी। और मतलब गोभी वो यहाँ तक कल जितना साग हम लोग बनाए ना, कल जितना साग बनाया ना वर्षा, इतना भी साग टेस्ट नहीं थी क्योंकि वो साग बनाएगी तो इतना थोड़ा सा क्वांटिटी में बनाती है क्योंकि पूरा साफ होना चाहिए, वो अलग ही लेवल की है, इसीलिए मैड एंगल तो चलिए अब वेट करते हैं वर्षा जी कब किचन में आएगी खाना बनाने। लेट्स वेट। देखिए वर्षा जी आ गई है, जहाँ गोभी का सब्जी बनेगा ये उठ के आ जाएगी, किसी के हाथ का गोभी का सब्जी नहीं है। चलिए बनाइए, बढ़िया से बनाइए, तीखा तीखा जैसे धनबाद में नहीं बनाए थे उस दिन गोभी का तीखा सब्जी। हाँ गोभी का तीखा सब्जी खिलाओगी तो काम कराओगी। तो वर्षा दी चलिए मना रहे ना फिर फाइनली आलू गोभी का सब्जी, क्या करेंगे क्या करेंगे, सही बात है, क्या कर सकते हैं। सबके भलाई के लिए वर्षा दी आज बना रही है आलू गोभी का सब्जी, बहुत अच्छा बनाती है फ्रेंड्स। जिसको जिसको रेसिपी जानना है हम लिंक दे देंगे YouTube चैनल का, पूछ लीजिएगा वहां से वर्षा.पवन तिवारी में कि कैसे आलू गोभी का सब्जी बनाया जाता है। चलिए काम हो गया, मिशन इम्पॉसिबल से मिशन पॉसिबल हो गया। ये धनबाद में भी वर्षा दी बोली थी लेकिन इतना अच्छा लग गया ना जो तीखा बना दी थी यार। हाँ कि आज के बाद कभी भी हमको सब्जी बनाने नहीं बोलिएगा आप लोग, और सब बोले थे कि उसके बाद आपको ही बनाना है तो आप ही को बनाना। हाँ और टेस्टी बन गया था उसके लिए। हम थोड़ी मचकी हैं, ऐसे होंगी जब तुम्हारा आदत है ऐसे रहना दवा के बाहर रहना, मेरा नहीं होता है ऐसे को बेचारे हम। तो फ्रेंड्स अभी मैं और हीरा आरवी को लेके आ गए हैं बाहर। हम लोग आए हैं गुपचुप लेने के लिए क्योंकि
वर्षाई लोग का अभी गुपचुप खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह, तो इसीलिए गुपचुप लेने आए हैं। अब दोपहर हो रहा है, लगभग 1 बज रहा है दोपहर का, तो देखता हूँ कहाँ गुपचुप मिलेगा। क्योंकि जनरली गुपचुप वगैरह क्या है कि गोलगप्पा वगैरह शाम को ज़्यादा खाया जाता है, तो शाम को मिलता है, दोपहर को कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा देखता हूँ। तो लेके तो जाना है, बस आ गया हूँ और मिल भी गया था कि गुपचुप वाले भैया ठीक घर के सामने ही, बोलते बोलते ही मिल गए। देखिए एकदम ठीक हम लोग के घर के सामने है। भैया कैसे रहे भैया? 10 का 4 बढ़िया से बना दीजिएगा ना, होम डिलीवरी है घर सामने ही हम लोग, इसीलिए बना दीजिए ना, 100 का बना दीजिए ले जाएंगे। तो देखिए भैया यही लगाता है, एकदम उगनी उगनी सब है, बटर वाला मस्त है। ठीक देबू का नर्सिंग होम है उसके सामने में। चले भैया से ले जाते हैं, 10 का 4 है यहाँ रेट फिलहाल, ये नॉर्मल रेट हर जगह ही है रांची में। तो लेके चलते हैं गुपचुप घर, 100 रुपये का ले लेता हूँ सबके लिए और फिर मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट घर जाके। देखिए हीरा वहाँ है आरवी के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग ले लिए हैं गुपचुप या गोलगप्पा, हीरा के हाथ में देखिए पानी है गुपचुप का ही। तो चलिए चलते हैं घर, घर के ठीक सामने में ही है हम लोग, तो जाते हैं वर्षाई लोग को खिलाते हैं गुपचुप, देखते हैं उन लोग का क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि ये लोग गुपचुप और गोलगप्पा के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब एकदम स्पेसिफिक है कि अच्छा बनेगा तभी अच्छा बोलते हैं, नहीं तो ये लोगों को पसंद नहीं आता जनरली। तो चलिए घर चलते हैं। और ये जितना भी गाड़ी देख रहे हैं ना यहाँ पे सब यहाँ आया हुआ है, ये देबू का हॉस्पिटल जो है, देबू का नर्सिंग होम, यहीं पे सब दिखाने आते हैं डॉक्टर को। बहुत भीड़ होता है सुबह के टाइम ये गली में। देखिए फ्रेंड्स ये खा के गोलगप्पा इन लोग के लिए, अभी लोग टेस्ट करके बताएंगे। हाँ खा के देखो ना, पहले खाओगी तब ना बोलोगी। खाओ कौन? अच्छा मम्मी पहले टेस्ट करेगी, मम्मी वाला पहले। कैसा मम्मी? ठीक है, मम्मी को ठीक लगा, वर्षा देखो भी ठीक लगा। आप तीसरा आदमी का बारी फीडबैक। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, गुपचुप पार्टी। ये लोग अपना अपना ले लिया, आप अपना कर लीजिए मम्मी, ये लोग अपना जगह बना लिया है। कैसा हुआ, कैसा लगा? सॉरी बोलो, कैसा लगा? नहीं मजा आया, तो मिर्ची डाल लीजिए उस पर, तो खट्टा कर दे, सोया सॉस है। हम बोले थे ये लोग बहुत स्पेसिफिक है गोलगप्पे के बारे में, गोलगप्पे के बारे में ये लोग बहुत स्पेसिफिक है, थोड़ा सा भी 19-20 रहेगा तो ये लोग से मिल जाएगा पता कि क्या इसमें 19-20 है। अच्छा हाँ, प्याज नहीं था उसके पास, राइट, प्याज नहीं डाला था, प्याज नहीं था ही नहीं उसके पास। नहीं है पानी खट्टा होता, नहीं नहीं खाइए ना, हम लोग को खराब नहीं लगता है। थोड़ा सा पसंद है, उतना नहीं। खाइए खाइए, एंजॉय कीजिए, आरवी भी पार्टी में जुड़ गई है। हाँ 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 खाओ ना, नहीं मांगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए लेकिन ये पता नहीं था कि मेरी बेटी इतना क्या कर रही है, ऑर्डर एकदम फॉलो की चाय बना, मतलब अभी बज रहा है 1:30 बज गया है, सेकंड टाइम चाय आ गया है। और ये है झारखंड का और एक स्पेशलिटी बर्रा, अंदर का दिखा, अंदर का तोड़ के दिखा कैसा है, अंदर में भी वही है जो बाहर है। देखिए अच्छा, ये उड़द दाल से बना है ना, बहुत मिर्चा, ये भी एक झारखंड का स्पेशलिटी है, इसमें मिर्चा ही रहता है। और 2 बार चाय हो गया, पकोड़ा हो गया, बर्रा हो गया, गुपचुप हो गया है, 2 घंटे के अंदर इतना खाना पीना हो चुका है फ्रेंड्स। तो हाँ, तो अभी वर्षा जी को ट्रीटमेंट चालू करेंगे हम लोग, फिर भी खा ही ले रहे थोड़ा बहुत कि कमजोर ना हो जाए। और यहाँ पे हीरा भी है, अभी भी हीरा भी टेस्ट कर रहा है, हीरा बोला बहुत ज्यादा मिर्चा है। हीरा मिर्चा चुन रहे हैं वहाँ बर्रा के अंदर, मिर्चा चुन रहा है।
और यहाँ आरबी चल रही है, आरबी इस रूम से हीरा के पास, हीरा के पास से इस रूम कर रही है। चलिए बहुत हो गया, अभी नहीं जाऊंगा तो ये लोग खत्म कर देंगे, तो मुझे कूदना होगा जल्दी। देखिए अचानक वर्षदी को क्या हो गया, अभी मास्क लगा के बैठ गई वर्षदी। वर्षदी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, आप लोग कमेंट कीजिए कि वर्षदी जल्दी ठीक हो जाए। ये कैसा था वर्षदी, अभी पूरा रिकवरी मोड में है, क्या चीज़ का रिकवरी हो रहा देखिए आप लोग। ये देखिए नेबुलाइजर लगा हुआ है, डरिए मत आप लोग, कुछ नहीं हुआ है, बस भेपर ले रही है। चलिए अब वर्षदी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हो जाने देते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। पेशेंट नहीं बन गए ठीक है, डायरेक्ट पेशेंट वाला क्या कर रहे हो। देखिए ये ब्लॉगर डांस कर रहे थे जिया जी को देख के। ये है वर्षा, ये डॉट, ये पवन और तिवारी अंदर गई है। चले अरेंज करते हैं आज, आप बताते हैं इन लोग का YouTube चैनल का क्यों नेम ऐसे हुआ। अरे देखिए ये लोग क्या कर रही है। अच्छा तुम डॉट होगी, तुम तिवारी होगी, स्तुति डॉट हो जाओ, तुम कृति तिवारी हो जाएगी। देखे मम्मी को क्या हो गया, देखे ना ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, मम्मी को ऑक्सीजन का कमी हो गया आने के बाद। नर्स का व्यवस्था है, ना कंप्यूटर का, ना डॉक्टर का, पैसा बचाने के लिए घर में लगा दिया ऑक्सीजन। देखिए फ्रेंड्स अभी दीदी लोग आई है और आरबी उठ गई, जस्ट सो रही थी, अभी 3 बजे उठी है, 3:10 को। और देखिए कितना खुश हो रही है दीदी लोग को देख के, दोनों स्कूल से आई है अभी जस्ट। और कृति क्या की है स्कूल में जरा बता है, कृति का चोटी धानी और आर्ना, इसका चोटी खोली, फिर ये धानी और आर्ना का चोटी खोल दी। हाँ तो ये लोग चोटी 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 खेल रही थी आज। और स्तुति का रिजल्ट आया किस चीज़ का, EVS का 25 में 24 ना, एक मार्क्स कट गया है। नहीं बस क्या कहते हैं ये नेम में ना ई नहीं लगा था, बस इसीलिए मैम हाफ मार्क्स, हाफ का 1 मार्क्स ना कटा 25 में 24, तो इसीलिए स्तुति को एक एक दो बार मार पड़ा है और पड़ेगा है? हाँ क्योंकि पड़ेगा मतलब ब्लॉक के बाद, क्योंकि एक मार्क्स कट गया है, इसलिए मार्क्स कटना नहीं चाहिए। स्तुति क्या आना है इस बार, फर्स्ट आना है ना, फर्स्ट नहीं आई तो फाइनल एग्जाम में फर्स्ट आना है ठीक ना, सेकंड हो गई तो हाँ जिंगल बेल जिंगल बेल। कृति तुम क्या आएगी, फर्स्ट आएगी ना, इसको तो पता ही नहीं है, सिर्फ चोटी खोलती रहती है सबका एग्जाम में, चोटी खोल के मार्क्स पूछेगी। हाँ चले इन लोगों को खेलने देते हैं तीनों बहन को अभी, और हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। गुड नाइट नहीं हुआ, गुड आफ्टरनून है, यहाँ जिया जी भी आ गए हैं देखिए, और खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, सब बना लिया अरवि की मम्मा के लिए। दिखाओ दिखाओ, देखिए ये है आलू गोभी का तीखा तीखा सब्जी, मटर वटर देख के मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, देख के भूख बढ़ गया। और यहाँ पे पापड़ भी है, इतना थोड़ा सा पापड़ क्यों पता नहीं, और चावल है और क्या क्या है, बैंगन आलू और वो कहाँ है, भरता है ये। अच्छा बैंगन आलू और टमाटर का भरता है, चलिए यही लंच होगा, चलिए बैठते हैं। यहाँ देखिए कर लिए है हम लोग बैठने का जगह भी, कारपेट हट गया है, यही बैठेंगे सब और फिर करेंगे एक साथ फैमिली गेट टुगेदर लंच। खाने में लेट होता है उसके लिए माफी, सिर्फ जिया जी के लिए लेट हुआ। च
चलिए फ्रेंड्स देखिए नया चीज व्लॉग के अंदर व्लॉग। मम्मा लिपस्टिक नहीं लगाई है, मम्मा लिपस्टिक नहीं लगाई है, फिर भी इसका फिल्टर में लिपस्टिक आ रहा है। तो तेरा मुंह है ऐसा, तुम बेकार लगती हो, तेरे लिए हमको फिल्टर लगाना पड़ता है। अपना भी कर लिया करो ना बिना फिल्टर का। चेहरा और इतना चेहरा देखो कितना बेकार लग रहा, कितना फिर भी इसके लिए हमको लगाना पड़ता है। मम्मी मीठा खा रही है, खाने के बाद मीठा तो जरूरी है। देखिए मम्मी आज कितना सारा मीठा लेके आई है सबको देने के लिए, यहाँ एक प्लेट मीठा है। चाहिए चलिए चलिए सब मीठा खाइए। जिया जी खा जाइए सब, आज रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। ये वाला मीठा नहीं पसंद, कौन बोल रहा है खाने, आपको कोई चीज नहीं कहेगा। ये अच्छा लगा मीठा, आइसक्रीम जैसा, अभी लोग बोला था आइसक्रीम जैसा लग रहा था, तो वो वाला एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टाइम अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो वो वाला लाइए रसगुल्ला, स्पॉन्जी रसगुल्ला। और यहाँ देखे मम्मी अभी तक देती जा रही है सबको, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, मलाई चौप? पता नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। चॉप तो नहीं दिख रहा है, मलाई का ही कुछ है, लेकिन चुप करा दो उसको जल्दी। डीटू रो रही है बिट्टू, यहाँ पे किसी कर देते इसको, दो मम्मी बन गई, मम्मा बन गई। मम्मा पूछिए मेरे से, मम्मा कौन है, मम्मा कौन है, मम्मा देखिए, ये देखिए मम्मा, आरबी मम्मा। ये देखिए हम लोग के घर में हॉर्स राइडिंग चालू हो गया है, स्तुति जल्दी है, हॉर्स राइडिंग हो रहा है। देखिए हॉर्स राइडिंग सर्विस चालू हुआ है, ये रांची में चालू हुआ है, लालपुर में। ₹50 जिसको जिसको हॉर्स राइडिंग बुक करना है लालपुर आ जाइए। धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ, डर ही लगता है इससे हमको। देखना देखना गिर मत जाना। खा जाओ उतना, हाँ हल्ला नहीं करो। काहे झगड़ा कर रही हो तुम ना? जा आज भी बैठ गई, जा। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, ये तीसरा बार हम लोग चाय पीने आज, जिया जी का फर्स्ट टाइम है ऐसे। सब कोई बैठे हुए अभी फिलहाल जैसे थे, मम्मी चेयर पे है और शाम का चाय एंजॉय करते हैं। ये लोग रिंगटोन और कॉलर ट्यून चेंज करते जा रहे हैं सब, फुल फैमिली, फुल फैमिली एक ही रिंगटोन एक ही कॉलर ट्यून रखने वाला है। चलिए तो कॉलर ट्यून रिंगटोन करते करते चाय पीते हैं। अभी लोग जा रहे हैं और सबसे पहले ये लड़की जाने के लिए छटपट कर रही है, तुम कहाँ जाओगी? सबसे पहले इसको ही जाना है, एक दिन जूता पहन के आ रही है ना, तो यहाँ पे आ रही है जूता खोलने के लिए, पता है सट गई दीवार से खोलने के लिए सब जूता देख के। नो आरवी, नो 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 टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सुबह स्कूल जाना है लोगों। किसी खांसी का अगर आइडिया है तो बताइएगा गाइस। तुम ली एलएक्स वाला दवा ली लोगी? है वहाँ पे दवा? अरे बाप रे, पैर से क्या कर रही है। कल जो तिलकुट लेके आए थे जा रहे हैं उसको खाने के लिए हम लोग। मम्मी खाइए देखिए कैसा लग रहा है, बताइए। ये उठा लेगी तो, ये गुड़ वाला है। हाँ गुड़ वाला निकाले, दे दे बिहार का फेमस तिलकुट, बिहार का फेमस वर्ल्ड फेमस तिलकुट, दे दे। तिलकुट आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मीठा मीठा, बस चीनी का भी होता है, गुड़ का भी होता है। यहाँ के अलावा इससे पूछो, ये तो बिहार का मेन डिश है, बता देगा। तिलकुट कैसा लगता है?
आप खा के बताइए ना। बहुत बढ़िया पूरा उठाइए खाइए ऐसे टेस्टी टेस्टी। हर भी कभी खाना है यार। एक चीज है कि तिलकुट और कहीं नहीं मिलेगा ना झारखंड छोड़ के। नहीं मिलता हर जगह, केवल झारखंड में ही तिलकुट मिलता है। बिहार का है हाँ, बिहार झारखंड में मिलता है, यूपी में भी नहीं मिलता है। मेन बिहार का है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग तो चल गए थे बहुत देर पहले ही, और अभी रात भी हो चुका है काफी, 10 बजने जा रहा है रात का लगभग, और अब हम लोग डिनर करने जाते हैं। कुछ बीच में कुछ खास किए नहीं थे तो इसलिए नहीं दिखा है। तो अभी बस डिनर करेंगे, आरवी भी डिनर करेगी, और मम्मी अभी देखिए क्या कर रही है, आरवी के साथ खेल रही है पूरा, क्योंकि मम्मी को कल सुबह निकलना भी है, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं डिनर, जल्दी सोना पड़ेगा तभी ना जल्दी उठ पाएंगे। और ऊपर से कल दीदी जल्दी आएगी ना, 7 बजे दीदी भी जल्दी आएगी 7 बजे काम करने, तो वो भी एक कारण है। मम्मी को निकलना है तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, खाना है, इसलिए तो कल जल्दी उठना पड़ेगा, तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, तो जल्दी खाना भी पड़ेगा, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा, आप लोग समझ जाइए। तो चलिए अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाइए पहले काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।